Hello viewers, today I am going to tell you about a COVID-19 data extraction. COVID-19 के data को state wise हम आपको कैसे देख सकते हैं आप Python के through वो बताने वाले हैं। और COVID India import state current position आपको बताएगा data equals to state get data। जब आप स्टेट मॉड्यूल बनाइएगा और गेट डेटा करिएगा तो स्टेट वाइज आपका कोविन इंडिया से डेटा आ जाएगा, जिसको हम वन बाय वन और लूप के अंदर और आई इन डेटा में प्रिंट करते हैं। और कोविड इंडिया इंपोर्ट स्टेट प्रिंट स्टेट गेट डेटा वेस्ट बंगाल, अगर स्पेसिफिक किसी स्टेट का प्रिंट करना है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, और टोटल प्रिंट करना है तो टोटल भी प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए आपको गेट डेटा टोटल लिखना पड़ेगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या दे रहा है। जब आप रन करिएगा तो कोविड इंडिया में से आपका डेटा देखिए टोटल आएगा और वेस्ट बंगाल का जो आपने स्पेसिफाई किया था आएगा, और एक्टिव क्योर्ड और डेथ केस और स्टेट वाइज सारे स्टेट का डेटा वन बाई वन दे देगा। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। और इसको बैठ के आप स्टडी करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा COVID-19 फैला हुआ है, जिसमें से केरला सबसे आगे है और लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इस तरह से आपका सारा कुछ आ गया, जिसमें से टोटल केस आपको दिखा रहा है 421665, क्योर 30 30 84 56 एंड डेथ 414108 दिखा रहा है। अब इसको हम वेरीफाई करने के लिए इसमें जाएंगे वर्डोमीटर में, तो यहाँ पे देखिए इंडिया का आ रहा है 311725 टोटल है, न्यू केसेस दिखा रहा है, टोटल डेथ हमने 414 दिखाया था, देखिए 414 दिखा रहा है 108। फिर आपके पास आया टोटल रिकवर्ड 3034, ये लेटेस्ट दिखा रहा है, इसमें 3038456 आ रहा है, क्योर एक्टिव केस 421 आ रहा है, इसमें एक्टिव केस 412 देखे ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि हमारा डेटा अप टू डेट है और इस तरह से करंट पोजीशन कोरोना की निकल आएगी। सो वर्डोमीटर के इसको यूज़ करके हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ डेटा सर्च भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर डालिएगा तो आपका डिफरेंट कॉलम देखिए आएगा, आप उसको यूज़ करके डिफरेंट टाइप से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल टुडे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।